लद्दाख में कोरोना वायरस का शिकार हुआ पहल जा रही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलें आज हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो आज का जो हमारा काम है ये सेशन है, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, दो मेन हिस्सों में। पहले हिस्से में हम थियोरेटिकली ये पढ़ेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कौन सी बातें हमें जहन में रखनी चाहिए और वो कौन सी बातें इम्पॉर्टेंट हैं। एक अच्छी प्रेसी के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, प्रेसी लिखते वक्त हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करते हुए कौन सी बातें इम्पॉर्टेंट हैं, यानी थियोरेटिकल पार्ट होगा एक। दूसरे से हिस्से के अंदर हम प्रैक्टिकली कुछ पैराग्राफ्स को अटेम्प्ट करेंगे। This is how we will be working today on one of the question of your exam in C section that will carry 10 marks. So, let's begin without wasting time. I shall take you straight away to the topic. Comprehension. ये question दरअसल paper में इसलिए दिया जाता है कि student की कुछ एबिलिटीज चेक हो जाएं। वो कौन सी एबिलिटीज, फॉर एग्जांपल क्या वो रीडिंग करके पैराग्राफ को समझ सकता है जिसे हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, और क्या वो अपनी समझी हुई बात को रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने अल्फाज के अंदर। ये दो बातें इस क्वेश्चन का बुनियादी मकसद होती है। तो अ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन इज बेस्ड थोड़ा सा इंटरवल देना होगा, अजान हो रही है, अजान जैसे खत्म होती है मैं वापस आता हूं।
तो मैं पहले कुछ चीजें जो हैं वो थेरेटिकली आपसे डिस्कस करता हूँ, फिर हम उसके बाद प्रैक्टिकली कुछ चीजों को पढ़ेंगे। तो ये तो थी कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ना अब मजीद अगर हम देखें तो हम अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा होता है कि आप क्वेश्चन आंसर्स को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, दूसरा पार्ट ये होता है कि प्रेस ही कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने पैराग्राफ को नहीं पढ़ना, पहले आपने क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस, फिर आपने पैराग्राफ पढ़ना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और लॉजिकल पॉइंट है। वहां बैठ के आप ये डिसाइड नहीं कर सकेंगे कि पहले मैं पैराग्राफ पढ़ूं या पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूं। ये सोचो, सोच विचार का टाइम इधर है, उधर नहीं होगा। उधर स्ट्रेट अवे जो प्लानिंग आप लेके जाएंगे उसको इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक। सेकंड, चेक मार्क्स टू अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन के तमाम क्वेश्चन आंसर्स का मार्क्स एक जैसे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, पहले दो क्वेश्चंस के दो दो मार्क्स होंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो हो सकता है प्रेसी प्लस टाइटल का हो, जो 6 नंबर का हो सकता है, 5 5+1। कभी कभी ये भी होता है कि 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें पहला क्वेश्चन होता है, दूसरा क्वेश्चन होता है, तीसरा वर्ड मीनिंग पूछे होते हैं उसने। कोई दो लफ्ज उठा लेता है पैराग्राफ से, उसका मीनिंग पूछ लेता है। 4 6 इस तरह हो गए, 4 में से 3 की प्रेसी कर देता है, 1 का टाइटल कर देता है। तो ये थोड़ा वेरी कर सकता है, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, इसको भी देखना होता है। एलोकेट प्रॉपर अप्रोप्रिएट टाइम, ये इंतहाई अहम चीज है कि आप अपनी प्रेसिव वाले क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहते हैं। अगर सपोज करते हैं आप अपने टोटल टाइमिंग जो पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास है, आप उसमें से उसको 10 मिनट देना चाहते हैं सपोज करते हैं, फिर आपको पता होना चाहिए कि पहले क्वेश्चन के लिए मेरे 2 मिनट है, दूसरे के लिए 2 मिनट है, बाकी 6 मिनट मैं दूंगा प्रेसी को। ठीक। हाईलाइट कीवर्ड्स, अपने पैराग्राफ में मौजूद कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये वाली चीज तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अवॉइड कॉपीइंग टेक्स्ट डायरेक्टली, कॉपी पेस्ट नहीं करना वहां पे क्वेश्चन आंसर्स में भी, इवन अपने अल्फाज में लिखना है उसको, थोड़ा चेंज करना है, थोड़ा रीफ्रेज करना है। और रीफ्रेज का ये मतलब भी नहीं है कि आप उसको पैसे वाइज में लिखना शुरू कर दें। रीफ्रेज का मतलब उसमें कुछ सैनोनम लाएं, कुछ स्ट्रक्चर चेंज करें, क्वालिटी शो करें, पैसे वाइज स्ट्रक्चर नहीं लिखना, ये जेन में रखिएगा। जो लिखा है उसको पढ़ें एक दफा, उसको में से गलतियां निकालें। कोई ऐसी चीज ना लिखें जो टेक्स्ट में नहीं है, बेशक वो कोई भी बात पूछ लेता है। अगर पाकिस्तान का उसने नाम पूछा है ऑफिशियल, और पैराग्राफ में लिखा हुआ है पाकिस्तान, और आपको पता है खुद से इसका ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो आप नहीं लिख सकते इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है वही मुकदम है, टेक्स्ट से बाहर नहीं जाना, इंपॉर्टेंट बात है। और आखिरी चीज प्रेसी, जो इसका दूसरा सेक्शन है वो प्रेसी क्या है, प्रेसी होती क्या है। प्रेसी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट। प्रेसी वैसे ना एक फ्रेंच वर्ड होता है, फ्रेंच फ्रेंच में प्रेसी का मतलब होता है समरी, तो ये फ्रेंच से इंग्लिश में आया हुआ है, वैसे बाय द वे आपको बता रहा हूं। प्रेसी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट विच ब्रीफली गिव्स ओनली द इंपॉर्टेंट पार्ट्स। इंपॉर्टेंट पार्ट्स यानी अनइम्पॉर्टेंट नहीं लिखना, इंपॉर्टेंट लिखना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्या होता है और अनइम्पॉर्टेंट क्या होता है, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। उसके बाद हम प्रेसी पे थोड़ी बात कर लेते हैं कि एक अच्छी प्रेसी कौन सी होती है। एक अच्छी प्रेसी रीडर फ्रेंडली होनी चाहिए, बंदा पढ़े उसको सारी समझ आ जाए, इसके अंदर ये बात है, क्लैरिटी हो, क्लियर कट लिखा हो आपने हर एक चीज, करेक्टनेस का ख्याल रखना है। प्रेसी में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होता है, 3 नंबर की अगर है या 5 नंबर की है, ये दो ही सिचुएशंस हो सकती है। उसमें मिस स्पेल्ड वर्ड नहीं होने चाहिए,
स्पेलिंग चेक करें, फैक्ट्स और डेट्स चेक करें, पंक्चुएशन सही करके लिखें, ग्रामर और स्ट्रक्चर सही होना चाहिए आपका. अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड से ऑब्जेक्टिविटी. इसका मतलब ये होता है कि पैराग्राफ में आप अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते. यू कैन नॉट गिव योर ओन स्टांस, योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. यू विल हैव टू रिलाय व्हाटएवर हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन योर पैराग्राफ. वहां जो लिखा हुआ है वही लिख सकते हैं, आगे पीछे नहीं जा सकते. कोहेरेंस रखनी है. अक्सर प्रेस से लिखते वक्त स्टूडेंट को हैरेंस नहीं. कोहेरेंस क्या होती है? लॉजिकल कनेक्शन होता है, पहले फिक्रे का दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ. ये कनेक्शन जरूरी है. ठीक. कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस तो इंतहाई अहम पॉइंट है मैं कहूंगा. क्यों? क्योंकि जब बच्चे लिखते हैं प्रेसी, अब उन्होंने उसको मुख्तसर करके लिखना होता है, 1/3 लिखना होता है. अब उन्हें ये समझ नहीं आती कि यार छोड़ना क्या है, रखना क्या है, और इस चक्कर में वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर जाते हैं. अब उससे प्रेसी कंप्लीट नहीं होती, अपनी तरफ से वो कंप्लीट लिख के आ रहे होते हैं. कंसाइसनेस. कंसाइसनेस का मतलब होता है मुख्तसर मगर जामे. अब मुख्तसर और जामे क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप क्या छोड़ सकते हैं प्रेसी में से? आप प्रेसी में एडवर्ब बिल्कुल छोड़ दें, एडवर्ब लिखने की जरूरत ही नहीं. अगर ओरिजिनल पैराग्राफ में एडवर्ब्स हैं 5, 5 के 5 छोड़ दें. अगर ओरिजिनल पैराग्राफ में एडजेक्टिव हैं 6, 6 के 6 छोड़ दें. एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स को तो प्रेसी के अंदर लिखने की कोई जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, ऐसी जनरेट कर लेते हैं. देर वॉज अ रेड ड्यूरेबल एंड गुड अम्ब्रेला इन हिज हैंड. इसमें ड्यूरेबल भी हटाएं, गुड भी हटाएं, और जो भी ऑब्जेक्टिव हटाएं, सीधा सीधा लिखें ही वॉज कैरिंग एन अम्ब्रेला. स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, एडजेक्टिव भी गायब हो गया. खैर, ये तो वैसे मैंने एक एग्जाम्पल जनरेट की ना, ये तो मैं आपको बताऊंगा मजीद डिटेल में कि ये कैसे हम इसको अटेम्प्ट करेंगे. इसमें क्या 3 पॉइंट, इनफैक्ट 4 पॉइंट है इसमें. ओमिट अननेसेसरी डिटेल्स, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था. अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, अगर ओरिजिनल पैराग्राफ में, अगर ओरिजिनल पैराग्राफ में कोई एग्जाम्पल कोट की हुई है किसी शख्स की, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है जी के कोई एक थीरी पेश की जाती है, उस थीरी को सपोर्ट करने के लिए किसी शख्स की एग्जाम्पल दे दी जाती है, या किसी वाक्य की या कुछ इस तरह की, वो ओमिट कर दे, वो एग्जाम्पल से एग्जाम्पल छोड़ दें. आप सिर्फ उस पैराग्राफ के अंदर जो फिलोसफी बयान की गई है, जो थीरी एक्सप्लेन की गई है, आप उस तक अपने आप को महदूद रखें. ठीक. रेपिटेशन से बचे. रेपिटेशन बिल्कुल नहीं करनी है. ठीक है. तो ये चीजें हैं. मजीद ये कि अगर आपने प्रेसी लिखनी है अच्छी, तो आप कुछ बातें जहन में रखें, अच्छी तरह रीड करें पैराग्राफ को, पहले पैराग्राफ का थीम समझें. जब तक आपको पैराग्राफ का थीम नहीं आता, आप अच्छी प्रेसी नहीं लिख सकते. इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर लें, आउटलाइन बनाएं. ये ओमिशन देखें, क्या क्या ओमिट करना, क्या क्या निकाल देना है उसमें से. ओमिट ऑल अननेसेसरी इंफॉर्मेशन और द लॉन्ग फ्रेजेस विच कुड बी रिप्लेस्ड बाय वन वर्ड. ऑल द एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स कैन आल्सो बी ओमिटेड इन ऑर्डर टू मेक अ गुड प्रेसी. जो चीज नहीं ओमिट करनी, व्हाइल मेकिंग अ प्रेसी द राइटर शुड नेवर ओमिट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आइडियाज विच आर एसेंशियल टू बी डिस्क्राइब्ड. अब वो क्या है वो आगे देखते हैं. साइज कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं. हाँ, और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपकी प्रेसी के अंदर कोई डायरेक्ट स्पीच यूज हुई हुई है, तो आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे. डायरेक्ट स्पीच वैसी नहीं लिखनी आपने, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे उसको. ठीक है. टेंस और पर्सन कौन सा होना चाहिए? 3rd पर्सन होना चाहिए. मैं बल्कि मुझे चाहिए था कि उसको मैं रेड कर देता,
थर्ड पर्सन होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन मैंने लिखनी, और टेंस जो है वो पास्ट होना चाहिए, ये ठीक। अपने अल्फाज में लिखें, ओन वर्ड्स यूज करें, वो अल्फाज जो उसने लिखे हुए उनके चंक्स नहीं उठाने। ये नहीं करना कि पहला पैराग्राफ, एक पैराग्राफ अगर है तो पहली लाइन तीसरी पांचवी सातवीं इकट्ठी करके एंड पे लिख देंगे, नहीं। अगर कोई डायलॉग्स है किसी के या कोई डिस्कोर्स कन्वर्सेशन है, अपना लिखें, अपने अल्फाज में लिखें। ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब, ऑब्जेक्टिव अप्रोच यही होती है कि आप दूसरों के वर्ड्स पर रिलाई नहीं करेंगे, अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पर रिलाई नहीं करेंगे। जो कुछ पैराग्राफ में दिया गया वही लिख सकते हैं। कभी भी प्रेसी को एक से ज्यादा पैराग्राफ में नहीं लिखना, आपकी प्रेसी एक ही पैराग्राफ होनी चाहिए। ये ना हो कि वहां दो तीन पैराग्राफ लिख के आ जाए, वन पैराग्राफ। कोशिश करें कि पहले रफ ड्राफ्ट बना लें, फिर उसको फाइनल में चेंज कर दें। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल। ये तो मैंने आपको सारे गो थ्रू इसलिए करवाए हैं कि कभी कभी ये चीजें जो है वो सिर्फ किताबी लग रही होती हैं, थ्योरेटिकल लग रही होती हैं। आई वुड नॉट से यू पीपल आफ्टर रीडिंग ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशन एंड थ्योरेटिकल पार्ट के चले जाएं और एग्जाम में करें। अब हम इसको प्रैक्टिकली खुद करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। एक पैराग्राफ मैंने लिया है, इस पे हम काम करते हैं। सो बी रेडी। A life of action and danger moderates the dread of death. Dread, आपको पता ही है कि fear को कहते हैं, fear. It not only gives us fortitude का मतलब strength to bear pain, but teaches us at every step the precarious tenure का मतलब होता है कि unreasonable fear, यानी एक होता है ना किसी बात की वजह से आप खौफ ज्यादा होते हैं, एक होता है कि बगैर किसी रीजन के आप कोई चीज कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं precarious tenure. इनफैक्ट precarious का मतलब है insecure. Precarious का मतलब है insecure, और tenure का मतलब है time period. Insecure time period. ये इसका in total मतलब है. Precarious tenure on which we hold our present being. Sedentary and studious men are the most apprehensive on this score. Apprehensive का मतलब भी fearful होता है। यहां तक मैं आपको explain कर दूं, मुझे डर है कि ये ना हो कि आपको समझ ही ना आ रहा हो कि हो क्या रहा है, paragraph तो मुश्किल है, तो भाई ये paper में आ सकता है, हमें इसको समझना होगा। ऊपर से दोबारा देखें, dread of death, ये मेरे लिए keyword है। मैंने कहा ना keywords को आप underline करें, ये मेरे लिए कीवर्ड है जी, ड्रेड ऑफ डेथ, यानी फियर ऑफ डेथ। हो सकता है कि ये मैं पैराग्राफ का टाइटल भी रख सकूं, फियर ऑफ डेथ। फियर ऑफ डेथ को कौन सी चीज कम कर रही है? अ लाइफ ऑफ एक्शन, बिजी रहें। पैराग्राफ का थीम समझना जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे नहीं लिखोगी ऐसे। क्या जरूरी है? लाइफ ऑफ एक्शन, ये जरूरी है। किसके लिए? ड्रेड ऑफ डेथ कम करने के लिए। अगर आप मौत का खौफ हर इंसान को होता है, अगर आप चाहते हैं कि मौत से डरे तो फिर आप वेले रहें, अगर आप चाहते हैं कि मौत का खौफ कम हो जाए तो फिर आप अपनी लाइफ को बिजी कर लें। आगे चलते हैं, अब आपको थोड़ा सा समझ आना शुरू हो जाएगा। इट नॉट ओनली गिव्स अस फॉर्टिट्यूड
फोर्टिट्यूड मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ, यानी अगर आप बिजी हो जाते हैं तो इट गिव्स यू स्ट्रेंथ टू बियर पेन बट टीच अस एट एवरी स्टेप द प्रीकेरियस टेन्योर ऑन विच वी होल्ड आवर प्रेजेंट बीइंग। यानी ये जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं ये तो बड़ा इनसिक्योर टाइम है, किसी टाइम भी बंदा मर सकता है। प्रीकेरियस टेन्योर, आजकल के हालात को देख लें आप, नोबडी नोज व्हाट विल हैपन, सो ऑल ऑफ दिस टाइम पीरियड इज प्रीकेरियस इनसिक्योर। लेकिन अगर आप देखो ना, अब हम घरों में फ्री हैं, सो मेनी थॉट्स पॉप अप इन आवर माइंड, वी सी मीडिया, वी सी न्यूज, वी वॉच न्यूज, वी बिकम इनसिक्योर, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। सो उसको लेकर उसके बाद देखें, सेडेंटरी एंड स्टडियस मैन आर द मोस्ट एप्रीहेंसिव ऑन दिस स्कोर। सेडेंटरी कहते हैं इनएक्टिव बंदा जो कुछ नहीं करता, यानी ये सेडेंटरी और स्टडियस ये दोनों ये अहम वर्ड है मेरे लिए। देखो ये लाइफ ऑफ एक्शन का अपोजिट है मेरे नजदीक, लाइफ ऑफ एक्शन इसका अपोजिट है। दोबारा बता दूं, देखो मेरी बात सुनो, आपके पेपर का जो सी सेक्शन है ना, ये सारा अनसीन होगा सारा। अब ये सवाल भी अनसीन है, अब सवाल ये है कि कैसे इस सवाल पर ग्रिप लें। माय डियर, द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल बी कॉन्फिडेंट इन अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। अभी पैराग्राफ कर रहे हैं ना, आपको बहुत सारी बातों का पता लगेगा, टेक्निक्स का पता लगेगा, ऐसा ऐसे ऐसे उसको हैंडल करना चीजों को, तो मैं इसलिए इस पर इतना टाइम लगवा रहा हूं। पहले पैराग्राफ पहली लाइन से मैं दोबारा बता देता हूं आपको, ये ना मैंने अंडरलाइन किए हैं, लाइफ ऑफ एक्शन, मुझे लग रहा है कि ये की पॉइंट्स हैं इस पैराग्राफ में, क्योंकि हमने इसका थीम डेवलप करना है ना अपने माइंड में। देखो, लाइफ ऑफ एक्शन, ड्रेड ऑफ डेथ क्या होता है, वो कहता है जी जिस बंदे की लाइफ बिजी होती है, एक्शन से भरपूर होती है, उसको जिंदगी मौत का खौफ इतना नहीं रहता, मॉडरेट्स द ड्रेड ऑफ डेथ। अपोजिट बात क्या है, अपोजिट बात ये है कि बट, ये देखो ना बट लिखा हुआ है, बट का मतलब अपोजिट आइडिया आने वाला है, बट कंजंक्शन ऐसा ही है ना कि इसके बाद अपोजिट आइडिया जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वो क्या कहता है कि प्रीकेरियस टेन्योर जो हम गुजार रहे हैं ये इसको बर्दाश्त करने का मौका देता है, और दूसरा ये कह रहा है कि ये वाले जो चीज है सेडेंटरी, इसका मतलब मैंने आपको बताया इनएक्टिव बंदा, लेजी बंदा, मैं ये चेक भी कर लेता हूं मेरे पास डिक्शनरी यहां पर जो होती है, ये इनएक्टिव, ठीक, और दूसरा कौन, स्टडियस, सीरियस बंदा, मतलब जो सीरियस बंदा है, थॉटफुल भी हो सकता है, यस थॉटफुल, बुकिश, अदबी बंदा, अदबी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो बंदा अदबी होगा और वो इनएक्टिव होगा, वो प्रैक्टिकल इतना नहीं होता, वो बस घर बैठा है लिख रहा है, बुक्स पढ़ रहा है लिख रहा है, उस बंदे को मौत का खौफ ज्यादा होता है, वो ये कह रहा है आर द मोस्ट एप्रीहेंसिव ऑन दिस स्कोर। अब ये पहले वाले का उलट है, यानी प्रैक्टिकल बंदा मौत से नहीं डरता इतना, जो अदबी बंदा है, इल्मी बंदा है, वो मौत से डरता है। मैं अगर इस पैराग्राफ का थीम समझ रहा हूं तो ये है, यानी मेरे नजदीक ये पहली तीन लाइनें इंतहा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, डॉक्टर जॉनसन वाज एन इंस्टांस। लो जी ओमिशन पार्ट आ गया, मैंने कहा था ना आपको कि अगर वो आपको कोई एग्जाम्पल देता है, इंस्टांस देता है, उसको बिल्कुल आप भूल जाए, वो नहीं हमने लिख रही, यानी अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है, प्रेसी में उसकी कोई जगह नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स में हो सकता है वो पूछे आपसे, लेकिन प्रेसी में उसकी कोई जगह नहीं है। अब वो इसकी डॉक्टर जॉनसन की एग्जाम्पल दे रहा है, पढ़ते हैं इसको, क्या एग्जाम्पल है ये, मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि ये हमने प्रेसी में नहीं इंक्लूड करनी। अ फ्यू ईयर्स seemed
to him soon over compared with those sweeping contemplations on time and infinity with which he had been used to pose himself. But Dr. Johnson saab ka ye masla hai, sochte hain lete hue ghar hai. In the still life of a man of letters, man of letter ek idiom hai जिसका मतलब होता है लिखने पढ़ने वाला बंदा, ठीक है, ये idiom है, इसको मैं bold कर देता हूं. There was no obvious reason for a change. हाँ, एक और reason, एक बंदा जिसकी life में कोई change नहीं आता, same एक routine में चल रही है, वो बंदा भी मौत से डरता है. इसको भी आप underline कर लें, ठीक है ना. There was no obvious reason for a change. He might sit in an armchair and pour out cups of tea to all eternity. Would it had been possible for him to do so? Many gharelu activity. The most rational cure after all for the inordinate fear. Inordinate fear ka matlab hota hai unreasonable fear. Jiski koi tukki nahi banti. Inordinate fear of death is to set a just value on life. हाँ, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे इसे निजात कैसे पाई जाए, मौत के खौफ से निजात कैसे पाई जाए, गेट रिड कैसे करना है, वो क्या है जी, वैल्यू दें लाइफ को, वैल्यू दें लाइफ की. वैल्यू कैसे है भाई, उस पर प्रैक्टिकल अमल करें, चीजों को प्रैक्टिकल करें. इफ वी मेयर विश टू कॉन्टिन्यू ऑन द सेंस टू इंडल्ज आवर हेड स्ट्रॉन्ग ह्यूमर and tormenting passion, we had better be gone at once. And if we only cherish a fondness of for existence according to the good we desire from it, the pang ka matlab pain we feel at parting, which it will not be very severe. Ab ye paragraph hai, acha ye iski summary likhi hui hai, ye iski प्रेसी है, प्रेसी देख लेते हैं जिसकी. अब आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, अब आप मेरे साथ ही इसकी एक नजर प्रेसी देखें. इफ वी लीड एन एक्टिव लाइफ ऑफ फेसिंग डेंजर्स वी विल लेस फियर डेथ. मैंने आपको यही अर्ज किया था, ये पहला पॉइंट है पूरा. People who had a lazy and peaceful life are the most afraid of death. बिल्कुल ठीक है. ये दो तो पहली बातें हैं जो मैंने आपको कहा था, पहली चार लाइनें इंपॉर्टेंट है. The most sensible way of getting rid of the fear of death is to value life. सही, ऐसा ही है. Value दे life को, मैंने कहा था, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं बाकायदा. If we do not give unnecessary importance to our life, we will not feel the pang of death or death. ठीक, इसको कंपेयर करें इसके साथ ऊपर वाली, इसका बिल्कुल बेशक स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ये इस पैराग्राफ का, ये जो आपके सामने है, और फिर जो इसके नीचे है, ये वाला पैराग्राफ जो समरी है. लेंथ देखें, वो 10 लाइन है या 3 लाइन है. वैसे तो वर्ड्स काउंट होने चाहिए, आगे चल के वर्ड्स काउंट में करवाए हैं, फिलहाल शुरू में मैंने इसको जरा थोड़ा सा ऐसे रफ लिखा. आगे चलते हैं. कहता है सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल. मैंने तो टाइटल इसके अंदर से निकाल लिया था शुरू में, ये कैसा टाइटल लगता है आपको? अच्छा, ये है जी टॉर्मेंटिंग का मतलब, डिस्टर्बिंग, अपसेंटिंग, अपसेटिंग, ये सारे इसके मतलब लिखे हुए, डिस्ट्रेसिंग वगैरह. अच्छा जी, तो ये मैं कह रहा था टाइटल ये है, ड्रेड ना लिखे, फियर लिख लें, फियर ऑफ डेथ लिख लें. ठीक, टाइटल आ गया.
What type of people are afraid of death and why? अब मैं कहता हूँ आप पैराग्राफ की तरफ देखे भी ना बिल्कुल बेशक, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। अगर आपने पैराग्राफ सही से समझ के पढ़ा है ना तो आपको इसका आंसर भी आता होगा। आप बताएं किस किस्म के लोग मौत से डरते हैं? इनएक्टिव पीपल, है ना, लेजी पीपल, द पीपल हु आर नॉट प्रैक्टिकल। अच्छा आगे देखें, हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ द फियर ऑफ डेथ? We should be practical. We should value the life. What idea do you get from Dr. Johnson from this passage? Johnson was man of letters. He was a man who used to read books, etc. प्रेसी में ऊपर बता के आटा। तो ये आ गया जी टाइटल, द फियर ऑफ डेथ। दूसरा देखें, सवाल क्या था? दूसरा सवाल पढ़ लेते हैं। What type of people are afraid of death and why? People who spend much time sitting and studying are the most afraid of death because they lead a peaceful life and want no change. The most sensible way of getting rid of the fear of death is to value life properly. We should know that our hold upon life is very risky and that we may die any moment. Ye Dr. Johnson ke bare mein. Dr. Johnson was afraid of death. He led a peaceful life and wanted no change. He was fond of tea. Ye do words ke meaning aapko paper mein bhi is tarah ke sawal aayenge. Do words ya se denge wo aapko meaning puchhenge ya phrases ka matlab puchhenge. Ye likha hua hai. Precarious, uncertain period of life, insecure, जिसे मैं कह रहा था, inordinate, unreasonable fear, fear of death, ये वही summary लिखी हुई है, जो ऊपर, अब इस summary में देखें, Dr. Johnson का जिक्र नहीं है कहीं भी। अब आप सवाल पूछें, मेरे ख्याल है आज के लिए एक पैराग्राफ काफी है, अब आप क्वेश्चन पूछें, I will answer. Okay. चले आज के लिए फिर इतना काफी है, मैं भी थक गया हूँ, काफी बोला हूँ मैं। कौन हैंड रेस कर रहा है? सलवा, सलवा पूछ लो, क्या पूछना है? सर ये पूछना था कि जो टाइटल है ये हम मतलब कि पैसेज में से ले सकते हैं उन्हीं के वर्ड्स? समझ नहीं आ रही, जरा माइक पास कर लो ना। सर जो ये टाइटल है ये हम पैसेज में से ले सकते हैं मतलब कि पैसेज के वर्ड्स, लेकिन थोड़ा चेंज कर लो ना, सनन बना लो। जैसे वहां लिखा हुआ था ड्रेड ऑफ डेथ, जी मैंने उसका ड्रेड का वो लिख दिया ना, अपना फियर सनन लिख दिया, फियर कर दिया, ले सकते हो। इनफैक्ट पैराग्राफ के अंदर होता है टाइटल, आपने ढूंढना होता है बस उसको। अभी तो एक पैराग्राफ किया है, मैं इसकी आपको आगे काफी प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो दो मोर, द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल हैव कमांड ऑन इट। चले इसको खत्म करते हैं यहाँ पे, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।